अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया खान amana.com के प्लेटफॉर्म से, और आज मैं मौजूद हूँ नवसरी पेशावर की साइट पर। और अगर आज मैं डेट की बात करूँ तो आज है एग्जैक्टली टू बी एग्जैक्ट 16 सितंबर, ठीक है। और मैं डेट आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने डेट क्यों बताई, उस वजह से क्योंकि आज से एग्जैक्टली 3 महीने बाद या 2 महीने बाद दोबारा से हम लोग नवसरी पेशावर की साइट को विज़िट करेंगे, और इसी वीडियो के रेफरेंस के बाद मैं वो वीडियो बनाऊँगी और मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि यहाँ पर 3 महीनों में क्या प्रोग्रेस आई है। और उसकी वजह यह है कि अभी जिस तरह पिछले दिनों यहाँ पर बारिशें भी हो रही थी, पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी था, बहुत काम स्लो हुआ हुआ था, हल्का हल्का काम चल रहा था, ठीक है। अभी इस टाइम पर यहाँ पर मशीनरी वगैरह आई कैन सी दैट, और आप लोग शॉर्ट्स में भी देख सकेंगे कि ये मशीनरी वगैरह लगी हुई है और रोड्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, कटिंग्स वगैरह हो रही हैं। लेकिन ये कि जो एक प्रॉपर डेवलपमेंट का काम होता है जिसमें प्लॉट्स की प्रॉपर कटिंग्स हो रही होती हैं, प्रॉपर घरों की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, या कुछ इस तरह का जो काम जो आप लोग देखना चाहते हैं, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। और अगर मैं इसकी लॉन्चिंग की बात करूँ, आप लोग जानते हैं कि नवसरी पेशावर एग्जैक्टली फरवरी के मिड में लॉन्च हुआ था, और उसके बाद से लेकर अब तक अगर मैं प्रोग्रेस की बात करूँ, इट्स बिन अ स्लो प्रोग्रेस टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इट्स बिन अ गुड प्रोग्रेस इज़ वेल। काफ़ी बारिशों का सिलसिला यहाँ पर जारी था, कुछ रूमर इस तरह भी सुने गए थे कि यहाँ पर पानी आ गया था, क्योंकि यहाँ के बिल्कुल पास एक दरिया लगता है जहाँ पर पानी डेफिनेटली ज़्यादा हुआ था बारिशों की वजह से, लेकिन उसका नवसरी पेशावर की साइड से कोई ताल्लुक नहीं था। फर्दर मोर आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी नवसरी पेशावर का जो लेटेस्ट पेमेंट प्लान है जो उन्होंने लॉन्च किया है। यहाँ पर जो 5 मरले का प्लॉट है इस टाइम पे, उसकी टोटल प्राइस हो चुकी है 27,50,000। उसके बाद 10 मरले का जो प्लॉट है उसकी प्राइस है 49,75,000। जो 1 कनाल का प्लॉट है उसकी टोटल प्राइस है 79,90,000 रुपीज़ ऑनली। और उसकी बुकिंग जो है 5 मरला की अगर मैं बात करूँ तो है 5,50,000। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो 10 मरला और 1 कनाल का जो है उसमें आपने बुकिंग और कन्फर्मेशन दोनों 15-20 डेज के डिफरेंस से आप लोग पे कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल्स आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टाइम पर। फर्दर मोर इनकी 40 जो है मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी हैं, 8 इनकी जो है एवरी 8 मंथ ऑल्सो यू कैन पे योर इंस्टॉलमेंट। और ऑल्सो एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पोजेशन का टाइम होता है उस टाइम पर भी इनके डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं जो पे करने होते हैं। और बहुत सी सोसाइटीज इस तरह की होती हैं जो कि डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में नहीं बताती हैं, और वो बाद में आप लोगों को पता चलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली बताया जाएगा कि डेवलपमेंट चार्जेस आपके कितने हैं, और हर प्लॉट के जो है फिक्स डेवलपमेंट चार्जेस हैं अभी के हिसाब से, वो आप लोगों को जो है प्राइस प्लान में आप देख भी सकते हैं। अगर 5 मरले की एग्जांपल दूँ तो वो है तकरीबन 1,60,000 तक। तो ये जो है कुछ रीसेंट डिटेल्स थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। फर्दर मोर लेट्स सपोज अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने नवसरी पेशावर की साइट को अभी तक विजिट नहीं किया, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। चार सदर एक्सचेंज और नौशहरा के बीच में इसकी बिल्कुल लोकेशन है। इफ़ यू वॉन्ट द लोकेशन, हम आपको इसका गूगल पिन भी सेंड कर सकते हैं, जस्ट इन केस गूगल पिन लोकेशन आपको सेंड कर सकते हैं। फर्दर मोर यहाँ पर एक चीज़ जो आई बिलीव के शायद कुछ लोग जानते हों या ना जानते हों, नोवा का फेज़ 1 एक तो इस साइड पर है जहाँ पर हम मौजूद हैं, दूसरा रोड की दूसरी साइड पर है, ठीक है। और वो उसका फेज़ 1 में ही आता है, और उसकी एंट्रेंस जो है इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम द मिडल, और उसके ऊपर काम चल रहा है। ऑफिशियली अभी कुछ भी अनाउंस नहीं किया जा सकता, बट कहते हैं ना एक्सेस विल बी देयर, फॉर नाउ अभी एक्सेस वहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है। तो उसकी लोकेशन है रोड के दूसरी साइड पर, और वो मैं चाह रही थी कि आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें मैं आप लोगों को पूरा इसके बारे में समझा सकूं, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि फेज़ 1 यहाँ पर भी है, दूसरी साइड पर भी है, वो किस तरह से होगा, कनेक्टेड कैसे होगा, क्या कैसे होगा, ये वो काफ़ी सवाल आते हैं। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं आप लोगों के लिए जो है एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आप लोगों को वो पूरा का पूरा जो किस तरह से उसको एक्सेस होगी, किस तरीके से वो होगा, क्या मामलात हैं, वो सब तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाएंगी उसके थ्रू, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूँ इसकी जो है डेवलपमेंट के हवाले से, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्दर कुछ बैलेटिंग के हवाले से आप लोगों को बताना ज़रूरी है। इनकी एक और दफ़ा बैलेटिंग होने वाली है अक्टूबर में, और हम इंशाल्लाह आप लोगों को जो है अपडेट करेंगे उसके हवाले से कि कब हो रही है, डेट अनाउंस नहीं हुई है अभी तक। मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर के मिडिल या एंड तक जो है इसकी बैलेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और उस बैलेटिंग में होगा ये कि जब बैलेटिंग होगी तो आप लोगों ने जो इस टाइम पर करंटली बुकिंग लोग करवाएंगे, अगर आप लोग उसकी पेमेंट कर देते हैं अपनी, तो आप लोगों के जो है प्लॉट्स में नंबर लग जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट गोइंग टू बी हैपनिंग व्हेन दिस होल बैलेटिंग सिचुएशन हैपेंस। तो इंशाल्लाह वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।
एंड वेट फॉर द अदर वीडियो एज वेल, जो इससे ज़्यादा डिटेल्ड होगी. ये थोड़ी सी जनरल थी, इट विल बी मोर डिटेल्ड, जिसमें मैं आप लोगों को ओवरऑल जो करंटली इस टाइम पर काम हुआ है, जितना भी हुआ है, डेवलपमेंट स्टेटस है नोवा सिटी पेशावर का, वो दिखाऊंगी. और जो फेज़ वन का दूसरा पार्ट है रोड की दूसरी साइड पर, और उसकी एक्सेस है और किस तरीके से वो है, वो तमाम डिटेल्स, जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों तक जरूर पहुंचेंगी. तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए. एंड नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़. amanat.com, पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल. मशवरा अमानत है.